और इस बीच बड़ी खबर ये कि बाढ़ बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ा है, तेजी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की भीड़ अब जुटने लगी है। आई फ्लू से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बाढ़ आई और उसके बाद का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आंखों की बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा दिखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दोस्तों हम बाढ़ से बहुत काफी दूर बिहार के अररिया जिले में रहते हैं। यहाँ भी काफ़ी मात्रा में आई फ्लू का बीमारी चल रखा है। हम तो न्यूज़ देखे कल, उसके बाद समझ में आया कि हमें भी वही बीमारी हुआ है। आई फ्लू का ही के कारण ही आँख लाल हुआ था और जो है आँख में काफ़ी परेशानी हुई थी। हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 6 बज रहा है, तो आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का मौसम भी ठंडा मौसम है। सुबह में तो लगभग ऐसे ठंडा ही रहता है, उसके बाद भर दिन जो है आग का बारिश होते रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा फसल जो है जल चुका है, लाल हो गया है, हर जगह फसल जल चुका है। इतना न धूप करता है ना, सारा फसल झुलस गया है, इसी में से झुलसा हुआ है। अभी बूंदा बूंदी पानी पड़ रहा है, तो हम लोग जो है इधर घूमने के लिए आए हुए हैं। साथ में जानवी भी है। पत्थर गिर रहा है। हाँ, पत्थर नहीं गिरा है। बारिश भी होता है, थोड़ा बहुत पानी गड्ढा में लगा हुआ है, बट उतना खास बारिश नहीं होता है। धूप तो इतना करता है ना दोपहर में, धूप और गर्मी भी इतना बहुत जोर गर्मी करता है, शरीर जलते रहता है हर दिन, और लाइट का भी वही स्थिति रहता है, भूख भाग करते रहता है, भर गर्मी भर तो बहुत परेशान करता है। तो आज आप लोगों के बीच एक विशेष खास मुद्दा लेके आए हुए हैं। उस मुद्दे पर बात करने से पहले, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे नए वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों अब बात करते हैं आई फ्लू के बारे में। जैसे कि आप हमारे आंखों को देख सकते हैं, पूरा लाल है। उससे पहले दोस्तों अभी तो छूटने वाला है दोनों आँख का लाली। जब दोनों आँख में था तो पूरा 3-4 दिन बहुत परेशान किया, बहुत ही खराब किस्म का बीमारी है आई फ्लू। पहले आप एक न्यूज देख लीजिए, उसके बाद इस पे बात करते हैं। विस्तार से खबरों को देख लेते हैं और देखिए किस तरीके से आधा देश भीषण बाढ़ और बारिश की वजह से बेहाल है, आप जानते हैं। ऐसे में अब जो सबसे ज्यादा खतरा है वो गंभीर बीमारियों को लेकर बढ़ता जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर ये कि बाढ़ बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ा है, तेजी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की भीड़ अब जुटने लगी है। आई फ्लू से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बाढ़ आई और उसके बाद का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आंखों की बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं आई फ्लू से। जो आई फ्लू के मरीज हैं वो अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं।
बिल्कुल, और देखिए आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए, मरीजों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। और ये सब कुछ हुआ है बाढ़ और बारिश की वजह से। जिस तरह से पहले इस बात को लेकर खतरा था कि कई तरह की बीमारियां फैलेंगी अस्पतालों में, अब आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और इसके बाद कई और बीमारियों के भी बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आई फ्लू के मामले अक्सर किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या उपाय है, कैसे आपको क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चे क्यों ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इन तमाम बातों का जिक्र आज एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर वजह और बचाव क्या है। तो देश के 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको अब दिखा देते हैं जहां इस वक्त आई फ्लू सबसे ज्यादा फैल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग तस्वीरें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्कूल की 60 से ज्यादा छात्राएं आई फ्लू का शिकार हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ में अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कमोबेश हर जगह यही स्थिति है। जिला बागपत में भी यही हाल है। यहाँ के अस्पतालों में रोजाना 10 से 15 मरीज रोज आ रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो सागर और दमोह जिलों में भी यहाँ अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। आंखों की बीमारी, आंख जो है उसमें रेडनेस आ जाती है, उसमें पिंक आई और उसके बाद उसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो ये समस्या काफी अब बढ़ने लगी है बाढ़ के बाद, क्योंकि देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद कई इलाकों में जहां पर बाढ़ का पानी आया था वहां पर ये समस्या शुरू होने लगी है। श्री बिल्कुल, और किस तरीके से देखिए मुश्किलों भरा समय लोगों के लिए है। पहले तो बाढ़ बारिश से जूझ रहे और उसके बाद अब इस तरह की बीमारियों से। हमारे साथ कई मेहमान है लेकिन सबसे पहले अजातिका सिंह का रुख कर लेते हैं जो LNJP हॉस्पिटल से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रही है। बताएंगे कि वहां के क्या हालात है। अजातिका बताइए अभी मौजूदा तस्वीर क्या है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, संडे है, हालांकि संडे को ओपीडी बंद होता है तो जो तस्वीरें हमें आमतौर पर मरीजों की देखने को मिलती है उस बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन जैसे कि डॉक्टर्स द्वारा जानकारी मिली है उन्होंने बताया कि आमतौर पर जितने रोज मरीज आ रहे हैं उनमें ज्यादातर मरीजों की ऐसी ही संख्या है जिनको कंजेक्टिवाइटिस की शिकायत है, जिनको बाढ़ के बाद अब लगातार पिंक फ्लू जिसका नाम दिया जा रहा है, पिंक आय है यानी कि रेडनेस है उनकी आंखों में, जलन है उनकी आंखों में, धुंधलापन है, कुछ ऐसी समस्याओं के साथ लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो अस्पताल पहुंचे भी हैं, एक बार जरा उनसे भी बात करके देख लेते हैं कि क्या ऐसी शिकायत के साथ कोई आया है। आपने न्यूज देखा कि बाढ़ क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा दिखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दोस्तों हम बाढ़ से बहुत काफी दूर बिहार के अररिया जिले में रहते हैं। यहाँ भी काफ़ी मात्रा में आई फ्लू का बीमारी चल रखा है। हम तो न्यूज़ देखे कल, उसके बाद समझ में आया कि हमें भी वही बीमारी हुआ है। आई फ्लू का ही के कारण ही आँख लाल हुआ था और जो है आँख में काफ़ी परेशानी हुई थी। दोस्तों यहाँ से नेपाल 3 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूरी नहीं है। भारत का उत्तरी छोर में रहते हैं, उत्तरी भाग में, तो यहाँ भी काफ़ी मात्रा में आई फ्लू का केसेस देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करनी चाहिए। तो पीड़ित व्यक्ति काला चश्मा पहन कर रखे, काला चश्मा या कोई भी चश्मा पहन कर रखे, जिससे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। टीवी या मोबाइल देखने से बचे और आँखों को बार बार छूने से बचे। आँखों को साफ करने के लिए गंदे कपड़े का इस्तेमाल न करें। आँखों को छूने के बाद साबुन से हाथ को अच्छी तरह से धो लें। किसी को भी आई टू आई कनेक्ट ना करें, यानी कि किसी का आंख लाल है तो उसके आंखों में आंखें डाल करके ना देखें।
दोस्तों अब इससे बचने का उपाय भी है, वो भी आप लोगों को बताते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, आँखों पर बर्फ का सिकाई करें, ठंडा पानी से धोएं, बर्फ़ का सिल्ली है तो उसे सेकें, जिससे आपको जलन और दर्द से राहत मिलेगी। बार बार ठंडे पानी से धोएं आँखों, डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक ड्रॉप का इस्तेमाल करें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बरतें, कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो उसे दूर रहें, संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, जैसे कि वह कोई कपड़ा से मुंह हाथ आँख को पोछा है तो उस कपड़े से आप भी ना पोछें, इससे बीमारी का फैलने से रोका भी जा सकता है और बीमारी से बच भी सकते हैं। और मेरे तरफ से एक्स्ट्रा सलाह है कि जिसको भी यह बीमारी नहीं हुआ है, आई फ्लू नहीं हुआ है, वह भी इससे बचने का पहले से उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आँखों को बार बार धोएं ताज़ा पानी से, ठंडा पानी हो तो अति उत्तम, उसे भी धोएं, उसके बाद आप मार्केट में कॉस्मेटिक में जो है गुलाब जल मिल सकता है, वहाँ से गुलाब जल लेके आप सुबह शाम दोनों आँखों में एक एक बूंद डालें। दोस्तों और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ कहाँ यह आई फ्लो पहुँच चुका है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, मैं शशि कुमार फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।